हेलो दोस्तों, मैं सुभाष अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एडेनियम पे। इसका बोटनिकल नाम एडेनियम ओबेसम है। यह एपोसाइनेसी फैमिली से आता है। इसकी खासियत है कि यह उगने में आसान और कम पानी में भी फूल देता है। इसी कारण इसे रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। इसके और भी दूसरे नाम हैं, जैसे इम्पाला लिली, सावी स्टार और कुडू लिली। इसके फूल तो खूबसूरत होते ही हैं, इसके मोटे कॉडेक्स को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। इसकी ऊंचाई 2 से 3 फुट तक होती है तथा इसकी 12 किस्में पाई जाती हैं। हर किस्म के पौधों की पत्तियों का रूप भी अलग अलग होता है। बसंत ऋतु से लेकर बरसात तक कभी भी इसे बीज और कटिंग दोनों से लगाया सकता है। कटिंग से इसे लगाने का मेरा एक वीडियो भी, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी मिट्टी में मैंने 1 भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल, 1 भाग कंपोस्ट और 2 भाग सैंड मिलाकर बनाया है। गर्मी के दिनों में इसे रोज़ाना पानी दें, लेकिन सर्दियों में इसकी मिट्टी सूखने पर ही पानी दें। ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें गल जाती हैं। बरसात में इसे शेडी एरिया में रखें। इस पौधे के उचित विकास के लिए धूप की बहुत ज़रूरत होती है। इसे कड़ी धूप में रखें, तभी इसमें ज़्यादा फूल खिलेंगे। ठंड को छोड़िए, सालों भर फूल देता है। इसकी प्रूनिंग फरवरी में करें। ऐसे सर्दी और बरसात में छोड़ इसकी प्रूनिंग आप कभी भी कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र में आप इसे ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र महीने में 1 बार दें। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो महीने में 1 बार गमले के साइज़ के अनुसार NPK 10 26 26 दे सकते हैं। यानी गमला अगर आपका 10 इंच का है तो 10 दाने महीने में 1 बार दें। सर्दियों में इसमें फर्टिलाइज़र ना दें। एडेनियम में कोई विशेष बीमारी नहीं होती है और ना कीड़े लगते हैं। जो कम देखरेख में पूरे साल फूल पाना चाहते हैं, उनके लिए एडेनियम बेस्ट है। इस एडेनियम को मैंने बालकोनी में लगाया हुआ है। इस पौधे की जड़ और गुदा जहरीला होता है, इसलिए बच्चों और पालतू जानवरों को इसे दूर रखें एवं जब भी इसे छुए हाथ अच्छी तरह से धो लें। ये था मेरा आज का वीडियो एडेनियम पे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।